गुजरात के वडोदरा के हरणी बोट दुर्घटना मामले के आरोपी विनीत कोटिया पर कोर्ट में काली स्याही फेंके जाने की घटना सामने आई है। वडोदरा की हरणी बोट दुर्घटना में 12 मासूम बच्चों और दो शिक्षकों की मौत हुई थी। इस मामले वडोदरा के लोगों में आक्रोश का माहौल है। मासूम बच्चों के अभिभावक न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया है और इसी बीच वडोदरा पुलिस की टीम SIT ने मामले के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटिया प्रोजेक्ट का मुख्य संचालक विनीत कोटिया कल गिरफ्तार हुआ था और आज कोटिया को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोटिया पर काली स्याही फेंके जाने की घटना सामने आई है। वडोदरा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह वाघेला ने विनीत कोटिया पर काली स्याही फेंक कर मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारने के जिम्मेदार आरोपी पर रोष जताया। इस मामले आरोपी विनीत कोटिया के 7 दिन के रिमांड कोर्ट ने मंजूर किए हैं। वडोदरा हरणी तड़ाव में जो दुर्घटना घटी है और उसमें 12 मासूम लड़के और दो टीचर्स का जो डूबने से मृत्यु हुआ है, वो बनाव में जो कोटिया प्रोजेक्ट के मेन भागीदार जो विनीत कोटिया है, उसने पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और उसके ये बनाव में उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल है, क्यों इतनी गुनाहित बेदरदारी रखी गई है, वो तपास करने के लिए पुलिस ने आरोपी का 10 दिन का रिमांड किया था और नामदार कोर्ट ने उनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी है और इसमें ये बनाव में जो भी है वो तलपरछी तपास करके जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो जाए और इसका इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली हो, इसलिए नामदार कोर्ट ने 7 डेज का रिमांड ग्रांट किया है।